गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति के तत्वावधान में गंगा दशहरा के अवसर पर राजघाट स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर श्रद्धा के साथ मां गंगा राप्ती आरती का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में समिति के अध्यक्ष एवं पार्षद संजय श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देश पर आरती का आयोजन प्रत्येक मंगलवार को चल रहा था, लेकिन कोरोना काल के कारण आरती स्थगित करना पड़ा। कोरोना वायरस का संक्रमण कम होने और लॉकडाउन खुलने के बाद समिति की तरफ से गंगा दशहरा पर आरती शुरू किया गया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष एवं पार्षद संजय श्रीवास्तव ने बताया, पंडित दुखरन पाठक जी, ये अध्यक्ष विक्रमा जी वर्मा का हार्दिक अभिनंदन, रिंकू शुक्ला जी, आराधना गुप्ता, अनूप सोनी जी, ये संयुक्त मंत्र ठीक है भाई, हम आरती तो श्रीमती चंद्रकला ये लोग संजय श्रीवास्तव पार्षद हांसूपुर के और गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति के अध्यक्ष। आज गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति के तत्वाधान में समिति के सभी सदस्यों के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, आज गंगा दशहरा है, पवित्र त्यौहार है। आज गंगा दशहरा के दिन राप्ती मैया की, गंगा मैया की महाआरती का कार्यक्रम यहाँ सम्पन्न हुआ है। आरती गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति के तत्वाधान में पूज्य महाराज जी के निर्देश के अनुसार यहाँ आरती शुरू हुआ था। आरती अनुरोध चल रहा था प्रत्येक मंगलवार को, लेकिन बीच में कोरोना काल के नाते आरती को आप लोगों को स्थगित करना पड़ा। अब चूंकि कोरोना का कम हुआ है, ख़त्म हो रहे नज़दीक है, इसलिए हम लोग आज गंगा दशहरा के दिन आरती शुरू किया गया है। आज बहुत ही विधिवत पूजन पाठ गंगा मैया का करके हम लोग आरती किया गया। सभी श्रद्धांजलि लोग उपस्थित हैं, सभी पदाधिकारी गुरु जानक उपस्थित हैं, उनके साथ समक्ष ये आरती किया गया।